गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अरुण सर आज हिंसे का सेवन का साइंस लेके आया हूँ। फर्स्ट लेसन हम लोग पढ़े थे न्यूट्रिशन प्लांट, पौधों में पोषण कैसे होता है, हम लोग समाप्त कर चुके थे। आइए इसी में हम जानते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग इस लेसन हम लोग ने क्या किया, जाना क्या क्या सीखा, क्या क्या पॉइंट कौन सी बिंदु हमको याद करने जैसी है। तो पहला पॉइंट है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड्स एनर्जी टू परफॉर्म बेसिक एक्टिविटीज ऑफ लाइफ। सभी जीवों के लिए अपने कार्य करने के लिए ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। द बेसिक न्यूट्रिएंट आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, वाटर एंड रफेज। जो शुरुआती तत्व हैं जो हमें चाहिए जीवित रहने के लिए क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स वसा है, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, इन सब की क्या करती है, जरूरत पड़ती है। बेस्ड ऑन द फूड हैबिट द मेड ऑफ न्यूट्रिएंट इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। भोजन करने की प्रक्रिया पे जो जितने जीव हैं उनको दो भागों में बांटा गया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। द प्रोसेस बाय व्हिच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। वह प्रक्रिया जिसमें भोजन अपना भोजन बनाते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस ग्रीन प्लांट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एयर थ्रू टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया करते समय पौधे, हरे पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, जिस पत्तों में टीनी छोटी छोटी जालीदार टाइप की पोर्स पाए जाते हैं जिसको स्टोमेटा कहते हैं। प्लांट्स व्हिच डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। वे प्लांट्स जो कि पत्तों जो उनके पत्ते हरे नहीं होते यानी उनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वो दूसरे पौधों पर निर्भर करते हैं अपने पोषण के लिए। कार्निवोरस प्लांट्स आर आल्सो कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बिकॉज दे कंज्यूम मेनली इंसेक्ट। कार्निवोरस प्लांट्स यानी कीड़े खाने वाले पौधे को इंसेक्ट प्लांट्स कहते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, छोटे छोटे कीड़े को कंज्यूम्स कर लेते हैं या पचा लेते हैं अपने अंदर। सर्टेन प्लांट्स स्पीशीज विच लाइव टू अनदर स्पीशीज एंड शेयर देयर फूड रिज्यूस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। जो प्लांट्स ऐसे पौधों को भोजन कराते हैं देते हैं उनको सिम्बायोटिक प्लांट कहते हैं। इन ए सिम्बायोटिक आर्गुमेंट और ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रॉफ्स एंड मैन्युफैक्चरिंग इट्स ओन फूड। ऐसे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं और ऑटोट्रॉफ्स जो स्पिन के ऊपर निर्भर रहते हैं इनको अपना भोजन ग्रहण करने देते हैं। द अदर ऑर्गेनिज्म एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फॉर ऑटोट्रॉफ्स एंड रिटर्न ऑब्टेन फ्रॉम फूड। जबकि ग्रीन पौधे हरे पौधे जो अपना भोजन क्या करते हैं, खुद बना लेते हैं। जो पौधे दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं ऐसे पौधे को क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स यानी परजीवी, दूसरे पे निर्भर होना। हम लोगों ने चैप्टर में द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइज फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएशन। भोजन करने की प्रक्रिया, अपने पोषण करने की प्रक्रिया को न्यूट्रिएशन कहते हैं। हम लोगों ने इस चैप्टर में इतना ही जाना, अब अगले चैप्टर को हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।